हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पावर ऑफ जुडिशरी। आज मैं आपको कार से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ। कार भी कोई ऐसी वैसी कार नहीं, एक सनरूफ कार। सो बेसिकली जो हमारे न्यू कार बायर्स हैं उन लोगों की पहली पसंद हो गई है एक सनरूफ कार। लेना अच्छी बात है इफ़ यू आर एबल, सो आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कार खरीदने में कोई भी ऐसा काम नहीं, आप कुछ इलीगल नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक सनरूफ कार को बाय करने के बाद कुछ एक्टिविटीज़ उस कार के ज़रिए ऐसी ऐसी आप करने लगते हैं जो कि ना चाहते हुए और ना जानते हुए काफ़ी बार आप कर देते हैं, पर वो इलीगल होती हैं। तो मैं नहीं चाहती कि आप लोग ऐसा करें, तो मेरी वीडियो लास्ट तक देखना विदाउट स्किपिंग। सो बेसिकली सेक्शन 184 एफ ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट ये क्लियरली कहता है, इफ़ यू आर पॉपिंग योर हेड और बॉडी आउट ऑफ द मूविंग कार, इट्स एक्सट्रीमली डेंजरस और इट्स इलीगल, इट्स अ ट्रैक्ट डिफाइन फ्रॉम ट्रैफिक पुलिस। सो आपको ऐसा करना ही क्यों? इवन कोलकाता ट्रैफिक पुलिस ने तो 1000 रुपी का फाइन भी लगा दिया है ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ के ऊपर। देखिए, कोई भी लॉ अगर बनाया जा रहा है, कोई रूल रेगुलेशन अगर बनाए जा रहे हैं, तो वो इसलिए नहीं, किसी भी तरीके का फ़ाइन आपसे इसलिए नहीं लिया जा रहा क्योंकि उन लोगों को आपसे बस पैसे लेने का बहाना चाहिए। वो सिर्फ आपके लिए लिया जा रहा है, आपकी सेफ्टी के लिए किया जा रहा है। कोई भी रूल, कोई भी फ़ाइन आपकी सेफ्टी के लिए किया जा रहा है, तो आपको भी वो चीज़ें समझनी चाहिए। अगर आपको फोटोशूट करवाना है या कोई वीडियो शूट करवानी है, आपकी गाड़ी है, आप उसे साइड में रोकिए, आप सनरूफ छोड़िए, वो तो बहुत दूर की बात है, आप गाड़ी के ऊपर चढ़ के फोटो क्लिक करवाइए। कोई भी ट्रैफिक पुलिस या कोई पुलिस ऑफिसर आपको आगे रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं कि आप ये क्या कर रहे हैं। चीज़ आपकी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी, आप उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक मूविंग कार के साथ ऐसा कुछ कर रहे हैं कि सनरूफ में से अपने रूफ के ऊपर से अपनी बॉडी का कोई भी पार्ट या बॉडी निकाल कर फोटोशूट करवा रहे हैं, इंजॉय, वो आपके लिए इंजॉयमेंट है, वो भी थोड़ी देर की। कोई भी ऐसा एक्सीडेंटल केस आपके साथ हो सकता है जो इंजॉयमेंट आगे आपके लिए पछतावा बन जाए।